सो हियर इज द EMX. EMX इंडिया की पहली ड्यूअल सस्पेंशन ई बाइसिकल है. इट कैन गो अप टू 60 किलोमीटर. अगर आप इसको पैडल असिस्ट पे चलाते हो तो ये 60 किलोमीटर तक जा सकती है. वैसे इसकी टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर एन आवर. इट हैज एल्युमिनियम फ्रेम. मात्र 21 किलो की ये साइकिल जिसको एल्युमिनियम फ्रेम से बनाया गया है. लेट्स ट्राई दिस आउट. तो ये आप देख सकते हो पॉलिथिन उतारा जा रहा है, मतलब एकदम ब्रांड न्यू. ओके, तो मुझे अभी पता नहीं है, इसको ऑन शायद यहाँ से करना होता है. हाँ, ये डिस्प्ले के अंदर आ गया है. अब फटाफट इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं. ओके, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैंने ई मोटर ऐड की दूसरी साइकिल को रिव्यू किया था, एंड ये वाली साइकिल उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है. बाकी अभी इसको चला कर देखते हैं और इसकी टॉप स्पीड पर भगा के देखते हैं कि ये कैसी चलती है. तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अप और डाउन का बटन है ये मोटर की पावर को एडजस्ट करने के लिए है. जैसे मैंने इसको 5 पे कर दिया है, अब मैं अगर रेस देता हूँ, ये देखिए थ्रॉटल यहाँ पे है. अगर मैं रेस दे रहा हूँ तो ये अपने आप चल रही है, मैं पैडल नहीं मार रहा हूँ, ये अपने आप चल रही है. इट कैन गो अप टू 45 किलोमीटर्स एन आवर. ओके, सो मेरे को एक चीज़ और ट्राई करनी है कि इसको अनलॉक करके. हाँ, ये बैटरी जो है ये डिटैचेबल है, आप इसको निकाल के ले जा सकते हो. आपको कहीं पर रिस्क है कि कुछ चोरी वोरी हो जाए, कोई छेड़छाड़ कर दे, तो आप इसको निकाल के ले जा भी सकते हो. अभी मैं इसको वापस ही लगाना सही समझूंगा. इसको वापस लगाया, ये मैंने लॉक कर दिया, टाइट हो गई है. बहुत ही स्मूथ और मज़े काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैं देखिए हल्का सा पैडल मार रहा हूँ और साइकिल काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पे चल रही है. देखिए मेरा पैडल जो है वो धीरे धीरे चल रहा है और आप देख सकते हैं स्पीड स्पीडोमीटर में 25, 26. ओके, सो साइकिल बहुत ज़्यादा स्मूथ है चलाने में. वाह 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 वाह, मज़ा आ रहा है यार. तो ये मुझे काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन लग रहा है, जो कि साइज़ में भी बड़ा है, पावर में भी बड़ा है और बहुत ही स्मूथ, एक्सट्रीमली स्मूथ लग रहा है मुझे चलाने में. अरे निशु भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई. ये नया कुछ आया यार, चला के देखो ना इसको. लो लो भाई तुम चला के देखो यार. तो अभी मैं निशु भाई के कैमरे से शूट कर रहा हूँ और ये कैमरा भाई को पहना देते हैं और देखते हैं भाई को चलाने में कैसी लगती है. की चीज है, गियर डाउन कैसे हो गया? अच्छा ऐसे, ये तो गियर बढ़ गया. अरे गेट बढ़ाते साथ ही तो और सही चल रही है, मतलब स्मूथ हो गई है बिल्कुल. बिल्कुल फोन जैसी डिस्प्ले दे रखी है भाई इसमें तो. बढ़िया इस. अभी थोड़े इसके गियर थोड़े कंफ्यूजिंग है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब कम करने पे तेज चल रही है या तेज़ करने पे, समझ ही नहीं आ रहा. मैं जैसे धीरे कर रहा हूँ, मतलब इसकी जैसे आर, मतलब ये 1, 2, 3 लिख रहा है, इसको कम कर रहा हूँ तो तेज़ चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है. थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट आ जाएगी इस चीज़ की भी. अभी एक नंबर पे देखो, थोड़े से पैडल पे चल रही है. अभी बढ़ाता हूँ इसको. हाँ, अब थोड़ा कम पैडल, मतलब पैडल ज़्यादा डालना पड़ रहा है अभी इस पर. अच्छा, मतलब अच्छा, जैसे आप इसको कम करोगे तो पैडल स्मूथ हो जाते हैं बहुत, जैसे हाई, मतलब चढ़ाई पर चढ़ने के लिए. लेकिन बढ़िया है यार ये. वही रॉकेट है ये तो. बढ़िया, वर्कआउट करने में मजा आएगा. लेकिन अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा है क्या यूज़. भाई ये नहीं है, मैं भी पहली बार चला रहा हूँ. मैंने भी पहली बार ही चलाई है भाई ये. तो
तो मैं आपको एक छोटा सा वॉक ओवर दे देता हूँ साइकिल का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क ब्रेक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फ्रंट डिस्क है और इसका रियर भी डिस्क है, पीछे में भी डिस्क लगे हुए हैं। टायर्स जो हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लगे, जैसे कि पिछले वाली साइकिल मैंने चला के देखी थी उसके टायर अलग थे, इन वाले टायर्स की ग्रिप एक नेक्स्ट लेवल पे है भाई। अब की बार तो ऐसा मान लो कि गुड़गांव में गर्मी पड़ी ही नहीं है, मतलब कि मई जून में बहुत ही झुलसा देने वाली गर्मी जो हुआ करती थी वो तो अब की बार देखने को ही नहीं मिली। अब की बार थोड़ी सी गर्मी होते ही बारिश हो जा रही है और बारिश होते ही मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। और इस बेहतरीन मौसम का मजा लेने के लिए हमारे पास है इंडिया की सबसे बेहतरीन ई बाइसिकल। हर कंपनी का एक कॉम्पिटिशन होता है, जैसे एप्पल का सैमसंग, हीरो का बजाज, एडिडास का नाइकी। ऐसे ही मैं कल गूगल कर रहा था कि ई मोटर ऐड के साथ साथ और कौन सी कंपनियां हैं जो इंडिया में ई बाइसिकल प्रोड्यूस कर रही है। देयर वाज अ बंच ऑफ लिस्ट, काफी सारी कंपनियों के नाम सामने आए, मैंने उनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया एंड यू गाइस वोंट बिलीव, इस प्राइस में ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में कोई कंपनी डिलीवर नहीं कर रही है। मतलब कि ई मोटर ऐड इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये प्लंबर भैया आए हुए थे और देखो इन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था। फटाफट मिलते ही सबसे पहला काम होता है मैं चैनल सब्सक्राइब करवाता हूँ लोगों से। अगर आपने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब दबाओ और बढ़िया बढ़िया एंटरटेनिंग वीडियोज़ का मज़ा लो। This is the freshest mango, मतलब कि आपको इससे fresh mango पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अभी आपके सामने पेड़ से तोड़ा है और इसका taste इतना मीठा है, इतना चटपटा है, जिसे कहते हैं सबसे बढ़िया वाला आम है। एक कमी है कि size में थोड़ा छोटा है, size में आप देख सकते हो थोड़ा छोटा है, पर खाने में बाकी सारे आमों को fail कर देगा, इतना ज़्यादा tasty है। अभी खा के दिखाऊँगा मैं आपको ये। सो ये है जो फाइनल आम है, मैंने अभी छिलका उतार दिया है, दशहरी आम का छोटा वर्जन है ये। ये कितना मीठा है यार, ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि बचपन से अभी तक जब भी मैंने आम खाया है बिना कपड़े गंदे करे तो कभी खाया ही नहीं है। बात कुछ ऐसी है, सीन बन रहा है साइकिलिंग करने का, शाम हो चुकी है और शाम का मज़ा लेने के लिए बढ़िया सी एक राइड लेके आते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसपास ही जाएंगे। मैंने इस साइकिल के शॉक का टेस्ट करे थे, जो कि इसको कहते हैं ना ड्यूअल सस्पेंशन साइकिल, तो मैंने इसके दोनों सस्पेंशन चेक करे थे और आगे की क्लिप देख के आप खुद ही बताना कि ये सबसे बेस्ट है या नहीं। मैं साइकिलिंग पे गया हुआ था और मुझे कुछ पुलिस वाले अंकल मिले, उनका काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था। देवर लाइक इसको पैडल मारेंगे तो ये खुद चलेगी, रेस देंगे तो ये खुद चलेगी। उनके लिए काफ़ी नई चीज़ थी और उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इस साइकिल में। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जिन्हें मैं कहता हूँ आप आँख बंद करके खरीद सकते हो, ये साइकिल उन्हीं चीज़ों में से एक है। इस साइकिल को खरीदने के लिए कूपन कोड है जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा इस साइकिल पे। दैट्स इट, ये वाली वीडियो इतनी ही थी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे हाय जरूर लिखे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर।